बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो ये भिन्नों के प्रकार हम पहले कर चुके हैं, जिसमें मिश्रित भिन्न आती थी। अब हमारे पास एक पहली संख्या है 7 × 3/5। इसको हमने पहले गुणा करना है, फिर न्यूनतम रूप में लिखना है और उसके बाद मिश्रित भिन्न भी बनानी है। तो एक क्वेश्चन में 3 पार्ट हमारे बनते हैं, तो तीनों में से पहला काम हमारा क्या है? गुणा करना। तो गुणा करने के लिए ये हमारे पास 7 और ये 3/5 है। तो 7 तो हम प्रीमेय संख्या के रूप में 7/1 लिख सकते हैं और ये 3/5 हमारे पास था ही। फिर अगर किसी अंश से दोनों हलों में से कोई हद किसी पारे पर कटता है तो पानी लेंगे, अन्यथा फिर क्या करेंगे? अंश की हद से गुणा और हद की हद से गुणा कर लेंगे। तो 7 × 21 और 1/5 गुणा होंगे। न्यूनतम रूप का मतलब था ये अंश और कहीं कटना चाहिए थे, नहीं कटते, तो ये काम हमारा इसमें नहीं हुआ। फिर क्या करना है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बनाने के लिए हम 21 को 5 से भाग करेंगे तो 5 का पहाड़ पड़ा जाता है 5 × 20 तक, और 20 21 से घटाए तो बचता है शेष 1। तो 4 × 1/5 हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से ये दूसरी हमारे पास प्रीमेय संख्या है, तो 4 को गुणा करना है 3 से। तो पहले हम 4 को लिखेंगे 4/1 और गुणा 3/1 का 1/3 ही रह जाएगा। अब गुणा करेंगे तो अंश के अंश से 4 × 1 = 4, हर की हर से 3। अब हम पहले चेक कर सकते थे कोई आंसर और आंसर कटता है तो नहीं कटा या ध्यान नहीं रहा, तो हम बाद में गुणा करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, यहां कटते हैं तो यहां भी इसी पारे में काट लेंगे इसको, लेकिन हमें पता है यहां नहीं कट रहे। तो फिर अंश जब बड़ा हो जाए, हर छोटा हो, तो फिर हम उसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो 3 के पारे में 4 आता ही, तो 3 का पारा पड़ जाता है 1 तक 3 = 3 और 4 में से 3 गया 1 और 1 हमारा अंश बन जाएगा और हर 3 ही है। इसी प्रकार से ये 2 × 6/7 है, इसको हम 2/1 के ये ट्राई आप स्वयं करेंगे, यहां जो आएगा फिर उसकी मिश्रित भिन्न क्या बनेगी वो आप स्वयं बनाएंगे। इसी प्रकार से ये है 5 को 2/9 से गुणा करना है, 5 को 5/1 और 2/9 जोड़ा तो फिर अंश के अंश से गुणा हर की हर से। ये आपका होमवर्क भी है, आपने ही ट्राई करना है, फिर भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आपने पूरा काम आपने करना है। ये 2/3 को 4 से गुणा करना है, तो 2/3 प्रीमेय संख्या हमारी ऑलरेडी है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो फिर इसमें अंश और कहीं कटता तो काट लो, नहीं कट रहा तो फिर अंश के अंश से गुणा करेंगे 4 × 8 और 3 × 1 = 3 8/3 की भी संख्या आप बना देंगे। जो संख्या बनाते हैं उसी को हम मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आगे वाले भी आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इसके 3 पार्ट है, तीनों में से मैं एक कराऊंगा आपको, तो 2 आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। छायांकित करने की बात करता है, ये बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो बक्सा ए हमारे पास ये है, इसके वृत्तों का 1/2, 1/2 भाग का मतलब आधा। तो इस बक्से में कितने वृत्त हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 का आधा क्या होता है? 6। तो कोई भी 6 आप इसमें छायांकित कर देंगे, चाहे ऊपर की दोनों लाइनें कर दो, ये जो मैं कर रहा हूं ये जरूरी नहीं है, आपने आधे करने हैं इसके, कोई से भी आधे कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से बी पार्ट में देखिए क्या कहते हैं, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब इसमें तो आधा का आधा आधा हमने करके दे दिया, ये 2/3 की बात करता है, तो 2/3 इसका क्या बनेगा? अब यहां 2/3 करने के लिए 3 लाइनें हमारे पास है त्रिभुजों की, ये 3 है ऊपर के 3, इन 3 में से नीचे हर 3 है हमारा 3 होंगे, इनमें से आपने अंश 2 लेना है, 2 छायांकित करने हैं। इसी प्रकार से निचले 2 वही चीज बनेगी, निचले 2 छायांकित करते हैं। इसी तरह से तीसरी पंक्ति के भी छायांकित कर लें। तो ये हमारा
काम हो जाएगा। इसके बाद हम त्रिभुजों का दूसरा टीका भी बना सकते थे, जो आगे हमें कराया जाएगा, जो हमें कराया नहीं गया है वो भाग निकालना था। टोटल भाग निकलने पे कितने हैं इसके, नौ। नौ का दो बटे तीन का मतलब ऐसे कर लेते तो तीन एक तीन, तीन दिया नौ तो कितने हो गए, तीन दुनी छह, छह तो हमने किए हैं। ऐसे करते हम कोई से छह कर सकते थे, ये जरूरी था अगर मैं इसके अनुसारी करता पहले दो ही करूंगा तो फिर तीन ये करो, तीन ये किसी तरह कर सकते हो, ऊपर से छोड़ के भी कर सकते हो। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए पार्ट ने दिया गया दो भाग है, ए के भी दो भाग है, तो पहला पार्ट हमें क्या कहता है, चौबीस का एक बटे दो ज्ञात कीजिए, और का मतलब हम जानते हैं गुणा होता है, तो पहले तो हम इस चौबीस को चौबीस बटे एक लिखेंगे, फिर का मतलब होता है गुणा, और ये एक बटे दो का एक। अब कोई अंश और हर कटता तो काट लो, दो और चौबीस दो के पाड़े में कटते हैं, दो एकम दो, दो एकम दो, दो बड़ी चार, तो हमारा आंसर क्या आ गया फिर, बारह एकम बारह। इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है छियालीस का एक बटे दो, छियालीस को पहले हम छियालीस बटे लिखेंगे, फिर का मतलब गुना और अगले वाले की संख्या जो भी दो। यहां पर भी वही कोई अंश और हर आपस में कटता है तो काट लीजिए, तो दो एकम दो, दो दुनी चार, दो दिए छह, तो ये क्या आ गया आंसर हमारा तेईस। अब इसी प्रकार से ये है अठारह का दो बटे तीन, अब शायद आप समझ चुके होंगे अठारह को क्या लिखेंगे, अठारह बटे एक, काटा मतलब है क्या गुना, और ये दो बटे तीन का दो बटे तीन। अब यहां पर फिर कोई आंसर और कटता तो काट लीजिए, तीन एक तीन, तीन छिके था, अब आंसर क्या है हमारा छह दुनी बारह। बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन में इसी तरह के हैं, छोड़ दीजिए। सत्ताईस का दो बटे तीन का मतलब सत्ताईस बटे एक, और का मतलब आगे काट लेंगे तो तीन एक तीन, तीन में सत्ताईस, आंसर इज एटीन। तो ये क्वेश्चन सी पार्ट के दो और डी पार्ट के दो जो आपकी बुक में है आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर छह, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो हमने तीन गुणा पांच से एक बटे पांच को हल करना है, यानी कि गुणा करनी है, तो ये तो हमारे पास मिश्रित भिन्न है, ये हमारे पास एक तीन तो है, तीन को हम पहले भिन्न के रूप में लिख लें, तीन बटे एक गुणा जो का जो, फिर इसकी खोल लेंगे मेरा सिया, इसको मिश्रित को बोल लेंगे, सिया बोलना है मिश्रित बोलना, पचो पचो पच्चीस, पच्चीस रे छब्बीस, छब्बीस बटे पांच। अब कोई अंश और हर कटता हो काट लो, पांच से दोनों अंशों से कोई सा नहीं कटता तो फिर अंश के अंश से गुणा, हर के अंश से गुणा करेंगे, छब्बीस दिया अठहत्तर, और बटे में पांच एक कम पांच। अब इसकी फिर अपने मिश्रित लिंग बनानी है, मिश्रित बनाने के लिए क्या करेंगे, अठहत्तर को पांच से भाग करेंगे, पांच एक कम पांच बचे लगे दो, दो के आगे फिर उतार लिया आठ, अट्ठाईस पचो पचो पच्चीस, बच गया तीन, तो पंद्रह सही दो बटे पांच, तीन बचा था, तीन बचा था, पंद्रह सही तीन बटे पांच हमारा आंसर आ गया। हाँ बेटा गुणा करनी है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर छह के पार्ट यहां पर मैंने लिखे हैं, फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, तीन को गुणा करना है मिश्रित भिन्न पांच से एक बटे पांच से, तो पहले तीन को प्रीमे संख्या के रूप में लिखें तीन बटे, इस मिश्रित को अनुचित भिन्न में बदलें तो पचो पचो पच्चीस रहे छब्बीस बटे पांच, अनुचित भिन्न का मतलब उसकी सही आता। अब छब्बीस दिया क्या अपन यहां देखो अंश और हर कटता है क्या, नहीं कटता, तो फिर अंश के अंश गुणा हर की हर से, तो छब्बीस दिया अठहत्तर और बटे पांच एकम पांच, इसको फिर हम मिश्रित में बदलेंगे, मिश्रित में बदलने के लिए फिर आपने इस अंश को पांच से भाग करना, पांच एकम पांच शेष बच गया दो, दो के का आगे उतार लिया आठ, अट्ठाईस हो गया, पांच का पढ़ा पड़ा तो पचो पचो पच्चीस, अब पच्चीस अट्ठाईस में घटाएंगे तो तीन, तो पंद्रह सही तीन बटे पांच हमारा ए पार्ट का आंसर है। इसी प्रकार से ये पांच से गुणा करना आपने मिश्रित भिन्न छह से तीन बटे चार को, पहले पांच को पांच बटे एक प्रीमे संख्या के रूप में लिखें, इस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें, चार छह चौबीस और तीन सत्ताईस बटे चार, फिर अंश और हर आपस में कटते हो तो काट लीजिए, नहीं कट रहे, फिर अंश के अंश से गुणा और हर की हर से,
तो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 का 5, 5 × 10 और 3 × 13 बटे में हर की हर से करेंगे तो 4। अब हमारा अंश बड़ा है, हर छोटा है, अनिश्चित बिन है, इसको फिर हम मिश्रित में बदलेंगे, तो मिश्रित में बदलने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 135 को भाग करना है, जब आगे भाग करेंगे 4 का 12 पढ़ते हैं तो 4 × 12 तक गया, शेष बच गया 1, 1 के आगे फिर 5 तक गया 15, फिर 4 का 12 पढ़ा तो 4 × 12 बच गया कितना 3/4, 33 सही 3/4 मिलते हैं हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहां 7 से गुणा करना है 2 से 1/4 को, तो 7 को प्रीमे संख्या के रूप में लिखा 7/1 × 4 तो इसके हमने संख्या खोलनी है, अनिश्चित गुण में बदलना है, 4 × 8 = 9/4 अंश और हर आपस में नहीं करते, तो फिर अंश के अंश से गुणा हर की हर से 7 × 63/1 = 4। अब फिर ये अनुचित भी नहीं है, इसको मिश्रित गुण में बदलें, 4 के 12 में 6 नहीं आता तो 4 × 1 = 4, 1 बच गया 2, 12 × 3 = 23, 4 का 12 फिर बढ़ा 4 × 5 = 20, शेष फिर 3 15 सही 3/4। इसके उत्तर की पड़ताल आप करके देख सकते हो, सही आप बोल सकते हो, इसकी मिले आप 15 × 4 = 63/4 ये होता है। इसी प्रकार से आपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट को देखना है, 4 से गुणा करना है 6 से 1/3 को, 4 को पहले 4/1 प्रीमे संख्या के रूप में, इस मिश्रित भिन्न को अनिश्चित भिन्न के रूप में लिखेंगे, 3 × 6 = 18 19/4। अब यहां देखिए अंश, सॉरी यहां बटे 4 में 3 ही है, अंश और हर फिर नहीं कर रहे हैं, 6 × 18 19/3 ही ना, तो ये 19 × 76/3, फिर इसको मिश्रित में बदलें, 3 × 6 = 6 × 6 = 16 × 5 = 15, शेष 1 तो 25 सही 3/1/3। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, ये पहले हमें मिश्रित भिन्न दे दी और फिर 6 से गुणा करना है, तो मिश्रित भिन्न को हम अनुचित में बदलें, 4 × 12 = 13/4 और इस 6 को लिखें 6/1। अब अंश और हर देखो यहां पर करते हैं क्या, ये हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, 4 और 6 2 के 12 में करते हैं, 2 × 4 = 6, अब अंश के अंश से गुणा करो, 13 × 3 = 39, हर की हर से 2 अनुचित भिन्न है, इसको फिर 2 से भाग करके हम संख्या बना दें, संख्या बनाने का मतलब मिश्रित भिन्न बना दें, 2 × 1 = 2, 1 बच गया, 9 × 19 = 2 × 18, 1 फिर बच गया 19 × 2। सिमिलरली यहां पर देखिए, इसको फिर हमने अनुचित में बदलना है, 5 × 15 = 17/5 और 8/1। अब अंश और हर यहां नहीं कटते, तो 17 और 8 की गुणा करें, 17 × 8 = 136, या 8 से गुणा करें, 8 × 56 = 8 × 8 = 5 13/5, फिर सही बना दें, 5 × 10 3 बचेगा, 6 × 12 = 36 हो गया, 5 × 7 = 35, फिर 1 बच गया, 27 सही 1/5, ये आपका